guys, welcome back my YouTube channel Akashdeep. If you new in my channel, please subscribe and share with your friends. देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा चल रहा था रीजनिंग पजल SBI और IBPS बैंकिंग एग्जाम के लिए. तो चलते हैं आज के पहले जो हमारा पजल है. 8 people are sitting in a two parallel row containing 4 people each in such a way that there is an equal distance between adjacent person. In row 1, Rahul, Amar, Gautam and Sahil are seated in all of them are facing south. In row 2, Navneet, Palvi, Ritu and Rishabh are seated and all of them are facing north. Therefore, in this given seated arrangement, each member seated in a row faces another member of the row. So, here is, देखिए, जो row 1 है, उसका face south direction में है, जो row 2 है, उसका फेस है नॉर्थ डायरेक्शन में. और रो वन में कौन कौन है? राहुल, अमर, गौतम और साहिल. और रो टू में कौन कौन है? नवनीत, पल्लवी, रितु और ऋषभ. तो देखिए इसको पहले बनाने के लिए देखिए अब हम चार सीट बना लेते हैं. इसमें देखिए किस तरह से बनाएंगे. ये सीट बना लेते हैं. इनकी डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन में है. ये रो वन है, ये है रो वन और ये है जो है जो दूसरी रो है. इनका फेस एक दूसरे के सामने है. यह है रो टू. गौतम सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड. तो मतलब कि गौतम अगर तो यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ पे हो सकता है. ठीक, इसको भी यहाँ पे रोकते हैं, चलते हैं. इसमें दिया हुआ है रितु सिट इमीडिएटली नाइबर ऑफ द गौतम. अगर देखिए गौतम अगर यहाँ बैठा है तो रितु यहाँ पे होगी, अगर गौतम यहाँ पे है तो रितु यहाँ पे होगा. ठीक है, या तो देखिए मैं बना देता हूँ इसको, इसको मैं सर्कल बना लेता हूं. इसमें भी सर्कल बना लेता हूं. इसको मैं ऐसे रख देता हूं कि अगर कुछ होगा तो मैं इसे भी इरेज करके दूसरा बनाऊंगा. तो ठीक है, फिर इसमें दिया हुआ है कि हु फेस गौतम ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन रितु एंड ऋषभ. अगर यहां पर रितु है तो यहां पर ऋषभ होगा. ये सर्कल बना लेते हैं और अगर यहाँ पे है तो ऋषभ यहाँ पे होगा. ठीक है, फिर इसमें दिया हुआ है कि ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन रितु एंड ऋषभ हु फेस अमर. तो अगर यहाँ पे अगर होगा ए वाला तो यहाँ पे अमर होगा. अगर यहाँ अगर गौतम यहाँ पे है तो अमर यहाँ पे होगा, ये सर्कल वाला. ठीक है, अब चलते हैं क्योंकि ऋषभ के सामने अमर बैठा है. तो फिर देखिए साहिल इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ अमर. तो देखिए साहिल तो यहाँ पे नहीं आ सकता है और मतलब कि सर्कल वाला साहिल यहाँ पे नहीं आ सकता और यह वाला साहिल यहाँ पे नहीं आ सकता है. ठीक है, फिर उसके बाद दिया हुआ है नवनीत सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ पल्लवी. तो देखिए और फिर बोला गया है पल्लवी हु सीट एक्सट्रीमेंट. तो देखिए अगर ऋषभ यहाँ पे बैठा है तो पल्लवी यहाँ पे होगा, नवनीत यहाँ पे. अगर पल्लवी यहाँ पे है तो नवनीत यहाँ पे होगा. ठीक है, पर बोला क्या आ गया है नवनीत सिट सेकंड टू द राइट. तो राइट में तो बिल्कुल यही वाला होगा तो बाकी ये वाला जो सर्कल वाले हैं वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे. जो सर्कल वाला गलत हो जाएगा तो देखिए किस तरह बनेगा. तो राइट इन बोला था उसमें, तो देखिए यहां पे आ गई पल्लवी, यहां पे सेकंड टू द
यहाँ पर सेकेंड टू दी राइट ऑफ वल्वी इज नवनीत सिटिंग, तो यहाँ पे ऋतु और यहाँ पे ऋषभ जो अमर के सामने बैठा है, और यहाँ पे गौतम, तो साहिल तो यहाँ पे नहीं आ सकता है बोला गया था इसमें कि साहिल जो अमर के पास नहीं है, तो साहिल यहाँ पे आ गया। और बचा हुआ कौन यहाँ पे, राहुल, राहुल यहाँ पे आ गया। तो देखिए हमारा पजल पूरी बन गई है। देखिए ये रो वन का अरेंजमेंट है, यहाँ पे जो है रो टू का अरेंजमेंट है। तो देखिए यहाँ पे जो होगा, ये पोजीशन लेफ्ट होगी, ये पोजीशन राइट होगी। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने पजल को कितनी जल्दी से बना लिया है। अगर आपको सारे पजल बनानी होगी तो आप पहले तो सबके डेटा एक जगह किनारे लिख लेंगे। इसको देखिए, इसको बनाने का तरीका मिले इसलिए बनाया कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इसकी बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बाकी हम इसको डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते थे, इसको डायरेक्ट अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सब करेंगे तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, जिस जो कि पजल 2 से 3 मिनट में बन जाएगी। तो आपको वीडियो बहुत पसंद आया हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा तक लोग शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।